भारतीय जनता पार्टी महायुति 1 लाख से भी ज्यादा वोट से नालासोपारा विधानसभा जीतेगी। सबसे ज्यादा कंपटीशन क्षितिज ठाकुर जो यहाँ के एमएलए हैं उनके साथ भारतीय जनता पार्टी। अगर यहाँ का विधायक भारतीय जनता पार्टी का होता है तो ट्रिपल ताकत का ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और यहाँ अच्छा विकास निश्चित रूप से लोगों को जनता को। वी के लाल ने, महाराष्ट्र के नेता आदरणीय देवेंद्र जी ने मेरे ऊपर जो विश्वास जताया, भारतीय जनता पार्टी में एक ही गुट है, वो है कमल। कोई नहीं है। विधानसभा के चुनाव का आगाज हो चुका है और आप देखेंगे पालघर जिले की 6 सीटों पे धीरे धीरे सस्पेंस खत्म हो रहा है, जिसमें आप देखेंगे नालासोपारा सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जारी की है। 132 नालासोपारा जो सबसे हॉट सीट मानी जाती है, उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपना पत्ता खोला है और उन्होंने उम्मीदवारी के लिए भरोसा जताया है राजा नाइक पे, जो यहाँ पे चर्चित चेहरा है। उनसे बात करेंगे क्या कुछ आगे की रणनीति है जनता के बीच जाने के लिए, आप लोगों के बीच जाने के लिए उनकी अपनी क्या रणनीति है। स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बधाई, आपको भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी का नेतृत्व आप यहाँ से कर रहे हैं और आप लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? मुझे बहुत खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है सेंट्रल नेतृत्व और महाराष्ट्र के हमारे लाडले पालक मंत्री आदरणीय रविंद्र चव्हाण साहब, हमारे राज्य के भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष आदरणीय बावनकुळे साहब और सभी के लाडले महाराष्ट्र के नेता आदरणीय देवेंद्र जी ने मेरे ऊपर जो विश्वास जताया और मुझे उम्मीदवारी दी, इसके लिए तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, ऋण व्यक्त करता हूँ। उसके साथ साथ ये नालासोपारा विधानसभा के जो मतदाता ने लोकसभा के चुनाव में 71,000 वोटों का भारतीय जनता पार्टी महायुति के उम्मीदवारों को लीड दिया डॉक्टर हेमंत सावरा जी को, उस लीड के लिए उनको भी बधाई देता हूँ कि वो लीड और उसके बाद जो सर्वे हुआ, यहाँ के मतदाताओं ने, जनता ने मेरा नाम प्रपोज किया और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार करके मैं आपके सामने आज हूँ। कल ही लिस्ट जो पहली लिस्ट में मैं भाग्यवान हूँ कि पहली लिस्ट में मेरा नाम आया है, इसलिए इधर के यहाँ के मतदाताओं का और हमारे शीर्ष नेतृत्व का, महाराष्ट्र नेतृत्व, तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। यानी ऐसा लगता है कि उनको आपकी दावेदारी पहली लिस्ट में आने का मतलब ये हुआ कि उनको पहले से ही पता है कि आप चुने गए हैं वहाँ के, यहाँ के लिए, नालासोपारा के लिए। निश्चित रूप से पहली लिस्ट में आया तो खुशी तो होती है, पार्टी का भरोसा है और मतदाताओं के ऊपर पार्टी का भरोसा है कि यहाँ के मतदाता निश्चित रूप से महायुति को, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, इसलिए हमारा शीर्ष नेतृत्व का मतदाताओं के ऊपर भरोसा ज़्यादा है, उसके साथ साथ मेरे ऊपर भी भरोसा है। साइकोलॉजिकल गेम कहें तो देखा जाता है जहाँ की सीट लोकसभा आपने निकाली है, खासकर पालघर तो निकाली है, तो ऐसा साइकोलॉजिकल गेम ये कहा जाता है पॉलिटिक्स में कि जहाँ की सीट निकलती है वहाँ की दूसरी सीट पे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है और वो भी सीट निकलती है, तो कितना कॉन्फिडेंट है आप लेकर अपनी इस सीट को लेकर? मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि भारतीय जनता पार्टी महायुति 1 लाख से भी ज़्यादा वोट से नालासोपारा विधानसभा जीतेगी। 1 लाख? 1 लाख से भी ज़्यादा, 71,000 लोकसभा में लीड था जी, उसमें और लीड बढ़ेगा क्योंकि उस टाइम बहुत से मतदार गांव गए थे, घूमने के लिए गए थे, नए मतदार भी अभी एनरोलमेंट हो गए और बहुत से मतदार डिलीट हुए थे उसका भी एनरोलमेंट हो गया, तो मतदाताओं की संख्या करीबन 6 लाख के आसपास जाएगी और मतदाता परसेंटेज जो 52% हुआ था, 52% हुआ था, अभी 60% तक जाएगा, तो निश्चित रूप से 1 लाख से वोटों से भारतीय जनता पार्टी महायुति के यहाँ से जीत होगी। हम कार्यकर्ताओं के बलबूते पे कहते हैं और मतदाता के विश्वास के ऊपर कहते हैं कि जो केंद्र सरकार ने गत 10 साल 11 साल में जो काम किया आदरणीय मोदी जी ने और हमारे आदरणीय देवेंद्र जी ने उनके 5 साल के कार्यकाल में और अभी शिंदे साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार ने आदरणीय देवेंद्र जी ने जो काम किया है वो लोगों तक पहुंचा है और कार्यकर्ता पहुंचा रहे हैं, जनता समाधानी है, तो जनता चाहती है कि यहाँ परिवर्तन, गत 30-35 साल से एक ही परिवार की सत्ता जो है उसको बदलना है, यहाँ का विकास जो गत 25 साल में नहीं हुआ है, आज भी अनेक समस्या है, आज भी पानी के लिए लोगों को यहाँ झगड़ा करना पड़ता है, पानी के लिए भटकना पड़ता है, रास्ते की समस्या, फ्लाईओवर की समस्या, जिला परिषद के स्कूल, जिला परिषद के हॉस्पिटल अभी तक कुछ या महापालिका को हैंडओवर नहीं हुए, तो समस्या यहाँ बहुत है, जो समस्या गत 30-35 साल में यहाँ के जो विधायकों ने हल करनी चाहिए थे निश्चित रूप से नहीं हुई, इसलिए जनता इस टाइम में परिवर्तन निश्चित रूप से करेंगे। हम जनता से अपील करेंगे 1 वोट परिवर्तन के लिए, 1 वोट ये नालासोपारा विरार के विकास के लिए हम लोग जनता से अपील करेंगे। देखिए ये सीट नालासोपारा 132 पे बहुत लोगों की नज़र है, एक से एक धुरंधर अपने को मैदान में कूदने के लिए तैयार है,
जिसमें सबसे पहले तो आपका नाम तो जाहिर हो गया, अभी और भी तीन चार ऐसे नाम हैं जो अपने अपने स्ट्रॉन्ग हैं। अभी अपोजिशन की जो भी पार्टीज़ हैं, जो विरोधी पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी को, अपनी लिस्ट जारी करने वाली हैं, जिनमें धनंजय गावड़े या अन्य पंकज देशमुख या अन्य लोगों को भी नाम आने अभी बाकी है। खासकर सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन क्षितिज ठाकुर जो यहाँ के MLA हैं उनके साथ भारतीय जनता पार्टी को मिश्रण। तो ये इतने आपको लगता है 6 लाख वोटों में परसेंटेज ऑफ वोटों का जो अंतर होगा वो काफ़ी कम होगा, कैसे समीकरण रहेगा? मुझे मतदाताओं के ऊपर पूरा विश्वास है, हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर पूरा विश्वास है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की भारी वोटों से जीत यहाँ नालासोपारा विधानसभा से होगी। अनेक योजनाएं लोगों को लाभ उनको मिला है, ऐसा एक भी परिवार नहीं होगा जहाँ जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना का लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा एक भी परिवार नहीं होगा। 30 साल से राजनीति में आप कह रहे हैं कि 30 साल में बदलाव नहीं हुआ, मतलब समीकरण तो बदला लेकिन जीत हमेशा एक पार्टी की हुई है। अब 30 साल के बाद आपको मौका मिला है, तो आपको पिछले 30 सालों की राजनीति में या फिर समाज सेवा में सबसे अहम मुद्दा क्या लगता है जिसको लेकर आप सबसे पहला काम करेंगे जीतने के बाद? यहाँ एक ही मुद्दे पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे, विकास, विकास और विकास। आज भी नालासोपारा की जनता, विरार की जनता त्रस्त है। ट्रैफिक इससे वेस्ट आने के लिए कभी कभी 1 से 1.5 घंटा लगता है। पानी की समस्या, यहाँ हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, यहाँ स्कूल, जो जिला परिषद के स्कूल है गत 15-20-25 साल से महापालिका ने, जो 10-12 साल महापालिका को होती हुए ताबे में नहीं लिया, उसके पहले नगर पालिका थी उन्होंने नहीं लिया, या कुछ सुविधा का बहुत अभाव है, इसलिए लोग परिवर्तन चाहते हैं। एक निगेटिव वोट और उसके साथ केंद्र सरकार की उपलब्धि और राज्य सरकार उपलब्धि से ये पॉजिटिव वोट, वो दोनों वोट मिलकर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी में दावेदारी की जब बात करें, शुरुआत हुई थी इलेक्शंस के जब लगने की, उसी समय भरत राजपूत और दूसरे भी और कैंडिडेट्स अपने अपने बैनर्स लगा रहे थे और यहाँ पे बहुत दावेदारियाँ की जा रही थी। उन सबसे आगे निकलकर आपको ये एक तरीके से विश्वास मिला है पार्टी का, तो इस बारे में ये कहा जा रहा है कि इसमें कई गुट हैं भारतीय जनता पार्टी में बन गए हैं जिसका असर चुनाव पर पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी में एक ही गुट है, वो है कमल। यहाँ गुटबाजी कोई नहीं है, आपस में किसी के मतभेद नहीं है। हाँ, सब चाहते थे, कोई चाहता था कि इनको उम्मीदवारी मिले, ऐसा होता है कि जीतने की संभावना जब भी ज़्यादा होती है तभी उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा होती है, उम्मीदवार ज़्यादा सीट मांगते हैं पार्टी के कार्यकर्ता। लेकिन जब भी कार्यकर्ताओं को सीट उम्मीदवारी दी जाती है तभी सभी कार्यकर्ता कमल के लिए काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। एक और चीज़, ऑपरेशन लोटस सफल हुआ असफल हुआ? ऑपरेशन लोटस नालासोपारा में तो बिल्कुल 100% हमने नालासोपारा पालघर लोकसभा में एक लाख 83 हजार वोटों से सीट जीत ली है, वो ऑपरेशन लोटस ही क्या है। हाल फिलहाल जो चल रहा था नाना राजू पाटिल नाना को लाने की जो बात चल रही थी उसमें कहां सफल असफल क्या कहेंगे, सफल हुए असफल हुए? नाना का भारतीय जनता पार्टी में तहे दिल से स्वागत है, वो बड़े नेता है, उनका स्वागत है। हम लोग अगर छोटे छोटे कार्यकर्ताओं की भारतीय जनता पार्टी ले रही है तो नाना तो बहुत बड़े नेता है। प्रयास तो आप लोग ने किया ही है और किया था, लेकिन सफलता मिली कि नहीं? सफलता की क्या आवश्यकता, आज भारतीय जनता पार्टी में नाना ने प्रवेश नहीं किया, सफलता तो वो उसमें सफलता की बात किधर आती है? हल्की पार्टी में नहीं थे वो, वहां पे जो चल रहा था नहीं, तभी भी पार्टी को 71,000 का लीड मिला था, नाना आते तो और अच्छा हमारी ताकत और बढ़ जाती थी। बहुजन में कल जो वहां पे कार्यकर्ता मिला हुआ था उसमें वो नहीं थे ना, वो उसके बारे में उनसे ज्यादा पूछ सकते हैं। मैं तो बहुजन का प्रवक्ता भी नहीं हूँ और बहुजन का कार्यकर्ता भी नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो उसके बारे में आप उनसे ज्यादा पूछ सकते हैं अच्छी तरह से। अच्छा, ये जो वसई विरार की अभी जो समीकरण बदले हैं, एक तरीके से दावेदारी बढ़ी है, अब इसमें जब आप योजनाओं की बात करते हैं, युवा है तमाम सारे आज के डेट में, युवा है जो सबसे ज़्यादा सक्रिय है, आप देखिए आपके साथ भी देखते हैं उससे ज़्यादा युवा देखते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आपको कुछ विशेष कुछ है पार्टी लाइन से या व्यक्तिगत आपकी सोच की आने वाले समय में इनके महिलाओं और जो युवा हैं उनके लिए कुछ विशेष किया जाए जो आपने प्लान किया हो? निश्चित रूप से महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए प्लान हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार भी कर रही है, और हमने एक मुंबई में बारा कुर्ला जैसा जो एक बन गया एरिया, वैसे 1300 एकड़ जगह, 1200-1300 एकड़ जगह यहाँ राज्य सरकार की है, उस जगह में ऐसा बने, इंडस्ट्रियल हब बने या बीकेसी जैसा कुछ बने, IT का सेल हब वगैरह बने, तो यहाँ के लोगों को यहाँ ही नौकरी मिल गया, इसीलिए हमारा प्रयास निश्चित रूप से रहेगा। हम ऐसी मांग भी ऑलरेडी
सरकार से की है। दो मुद्दे यहाँ हमेशा रहते हैं, एक तो ट्रैफिक जो आपने रोड रास्ता कहा, दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल का आपका बजट आप महायुति सरकार ने भी हाल ही फिलहाल पास किया था, उसके लिए क्रेडिट के लिए भी दोनों पार्टी बहुजन और आप वहाँ भीड़ भी गए थे, लेकिन अभी हॉस्पिटल का क्या हुआ, कहाँ कहाँ गया बजट, कहाँ गया अभी तक, भूमि पूजन नहीं कुछ नहीं, जगह भी निर्धारित नहीं हुई उसकी। वो भूमि पूजन अभी चुनाव के बाद हम लोग करेंगे ना। लेकिन सर जगह अभी ट्रांसफर ही नहीं, तो कोर्ट के नाम जगह तो होएगी ना, कोर्ट को दूसरी जगह दे दी गई है। कब मिल जाएगा? निश्चित रूप से नई सरकार आने के बाद, हमारी भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आएगी तो निश्चित रूप से हॉस्पिटल वहाँ 100% बनेगा। हमारे आदरणीय देवेंद्र जी ने लोगों को बताया है तो हॉस्पिटल बनेगा, बोले तो बनेगा। ये जो रोड रास्ते के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं आप, कितने का बजट पास हुआ है, कब तक इस पे शुरू होगा काम, आपको क्या लगता है बदलाव कब नजर आएगा? दुर्भाग्य से यहाँ के विधायक को जो करना चाहिए था उसके लिए उन्होंने नहीं किया, वो लोग की ये देन है, रास्ते गटर ये सब उनकी देन है कि सिटी तो बढ़ने वाली है, आबादी तो बढ़ने वाली है, तो उस आबादी को ध्यान में रखते हुए उसी प्रकार के रास्ते इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहिए था। अभी तो कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए भी कुछ जगह नहीं है। जो रिंग रूट के 80% 50% से भी ज़्यादा वे अतिक्रमण हुआ है, 50% से भी ज़्यादा जो आरक्षित जगह होती है अलग अलग कारणों के लिए उसमें अवैध निर्माण हुआ है। एसटीपी के लिए 500 करोड़ रुपए आके हुए भी वैसे ही पड़े हैं कि उसके इलीगल बिल्डिंग बनाया है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए गत 25 साल में जो नहीं हुआ वो अच्छा काम करने के लिए हम लोग निश्चित रूप से प्रयास करेंगे, और हमें विश्वास है कि हमारी सरकार, केंद्र की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार, और अगर यहाँ का विधायक भारतीय जनता पार्टी का होता है तो ट्रिपल ताकत का ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और यहाँ अच्छा विकास निश्चित रूप से लोगों को, जनता को दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी। आप देख रहे थे राजन नाइक जो आपसे बात कर रहे थे, और उनका कहना है कि आने वाले दिनों में अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाती है तो निश्चित तौर पे वसई विरार की जो समीकरण है वो बदलेंगे, और इसके साथ ही यहाँ के जो नेचुरल जो चीज़ें हैं उसको प्रिजर्व करेंगे, उसके साथ ही डेवलपमेंट की बात होगी। फिलहाल ये देखना होगा आने वाले दिनों में कि सत्ता परिवर्तन और बाकी चीज़ों पर जो बात कर रहे थे उसमें कितने दावे खड़े उतरते हैं और कितने प्रतिशत वोट मिलते हैं और जीत कितने अंतरों से होती है, ये जनता के हाथों में। धन्यवाद।